दोस्तों आज के मॉडर्न दौर में लोग अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका लुक बदलने के कारण वे स्टाइलिश और स्मार्ट दिखते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि मेकअप करने का क्रेज लड़कियों में ज्यादा है या लड़कों में? तो मैं बता दूं, पहले लोग मेकअप केवल शादियों और फंक्शन में करते थे, मगर टिकटॉक आने के बाद चुड़ैल जैसे दिखने वाली लड़कियां भी मेकअप करके परी बन चुकी हैं। लेकिन दोस्तों जब लड़कों की बात करें, वो भी रूप बदलने में इच्छाधारी हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर लोगों का रूप बदलने वाला मेकअप को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है पॉन्ड्स पाउडर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों गर्मी के मौसम में पसीना आने की वजह से शरीर में चिपचिपापन और बदबू जैसा समस्या तो आते रहते हैं, जिसे कम करने के लिए हम पॉन्ड्स पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे त्वचा सॉफ्ट और मुलायम रहता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े गुफाओं और पहाड़ों से सॉफ्ट स्टोन को तोड़ते हैं। दोस्तों ये आम स्टोन नहीं होता, बल्कि इनमें क्लोराइड, कार्बोनेट और टेल्क नाम के एलिमेंट पाए जाते हैं, जिस कारण इससे बनने वाले पाउडर को टेल्कम पाउडर भी कहते हैं। फिर इन पत्थरों को वर्कर द्वारा ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में भेजते हैं, जहाँ इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर खराब पत्थरों का छटाई करते हैं। फिर इन्हें ग्राइंडिंग मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। अब इन टुकड़ों को ड्रम जैसे दिखने वाले ग्राइंडर मशीन में डालकर पतला पाउडर बनाते हैं। फिर भी दोस्तों इनमें कुछ मोटे कंकड़ तो बच ही जाते हैं, जिसे निकालने के लिए इन पाउडर को दूसरे मशीन में डालते हैं, जिसमें लगा छन्नी इनके कंकड़ को छानकर आटे जैसे पाउडर को अलग करता है। अब इन पाउडर को बोरे में डालकर दूसरे यूनिट में भेजते हैं, जहाँ इनमें ब्लैक कोल, फ्रेग्रेंस और लिनालोल को डालकर मिक्स किया जाता है। अब पाउडर के डब्बे को मशीन में डालकर कन्वेयर बेल्ट पर लगाते हैं, जहाँ ऑटोमेटिक मशीन इन डब्बों में पाउडर डालकर आगे भेजता है। और मशीन से इनमें कैप लगाकर लॉक करते हैं। पीने पैकेट में पैक करके बड़े से बॉक्स में डालकर आपके मार्केट तक भेजते हैं, और इस तरह से आपका पाउडर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब नंबर दूसरे पर आता है मेकअप बॉक्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों मेकअप बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसके बॉक्स को तैयार करते हैं, जिसके लिए रेक्टेंगुलर स्टील शीट को रोलिंग मशीन में डालकर पतला करते हैं। फिर इन्हें प्लास्टिक के ऊपर फिट करके प्रेसिंग मशीन में डालकर मेकअप बॉक्स को शेप देते हैं। अब इनमें मेकअप पाउडर फिल करने से पहले मेकअप पाउडर को बनाते हैं, जिसके लिए मिक्सर मशीन में टेल्क पाउडर, कोकोआ पाउडर और कॉर्न स्टार्च को डालकर चेहरे को सॉफ्ट रखने के लिए एसेंशियल ऑयल और ग्लिसरीन को डालकर अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब इन्हें जिस कलर का बनाना होता है उस कलर को डालकर मिक्स किया जाता है। फिर इन तैयार हुए पाउडर को एक खास तरह के ट्रे में रखकर पॉलीथीन से कवर करके दबाव देते हैं, जिससे पाउडर छोटे छोटे बिस्किट के शेप में आ जाता है। फिर ब्लू कलर के पाउडर को इसी ट्रे में रखकर पेपर से कवर करके हाइड्रोलिक मशीन से दबाव देते हैं, जिससे ब्लू पाउडर भी बिस्किट शेप में आ जाता है। और इसी तरह अलग अलग कलर के मेकअप पाउडर से बिस्किट को तैयार करते हैं। अब इन मेकअप बिस्किट को बॉक्स में फिल करने से पहले ब्रश को बनाते हैं, जिससे मेकअप को अच्छी तरह चेहरे पर लगाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्रश में इस्तेमाल होने वाले हेयर को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बनाकर एक व्हील में लपेटते हैं। फिर इन्हें छोटे छोटे पीस में काट कर एक बंडल बनाते हैं, और फिर ब्रश बनाने के लिए हेयर को एक फिक्स क्वांटिटी में तौल कर एक कप में रखते हैं। अब इसे हैंडल को इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाकर एल्यूमिनियम सीट को प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर एल्यूमिनियम फेरियल्स को बनाते हैं, जिसमें हेयर को फिट किया जाता है। अब इन हैंडल पर कंपनी का नाम लिखकर हेयर को कंघी करके फ्रेश बनाते हैं। फिर इसे एल्यूमिनियम फेरियल्स में फिट करके प्रेसिंग मशीन से दबाव देते हैं, जिससे हेयर ब्रश से बाहर ना निकले। अब इसमें फेविकोल को डालकर हैंडल को लगाते हैं, और इस तरह मेकअप ब्रश पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब मेकअप बॉक्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर इसमें एक खास तरह की क्रीम को डालकर मेकअप पाउडर से बने बिस्किट को डालते हैं, और इस तरह मेकअप बॉक्स पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों इन मेकअप बॉक्स को अलग अलग शेप का भी बनाया जाता है, जिसके लिए इसके बिस्किट का शेप चेंज कर देते हैं, या फिर वो सर्कुलर होता है या फिर रेक्टेंगुलर। अब नंबर लास्ट पर आता है एलोवेरा क्रीम मेकिंग प्रोसेस।
दोस्तों अक्सर जो लोग मेकअप का इस्तेमाल करते हैं वे अपने चेहरे को धुलने के लिए एलोवेरा जेल को नंबर वन मानते हैं, जिससे उनका चेहरा सॉफ्ट और मुलायम रहता है, क्योंकि इनमें एमिनो एसिड, मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स और बायो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिससे चेहरे पर दाग धब्बे नहीं आते हैं और चेहरा लंबे समय तक मुलायम रहता है। तो एलोवेरा जेल को बनाने के लिए एलोवेरा को खेतों से काट कर कन्वेयर मशीन में डालते हैं, जो एलोवेरा को ट्रॉली में लोड करता है। फिर इन्हें फैक्ट्री में लाकर वाटर में धुलते हैं, जिससे एलोवेरा के ऊपर लगा मिट्टी साफ हो जाता है। अब इन्हें कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर खराब एलोवेरा को बाहर फेंकते हैं। फिर पत्ते को छिलकर एलोवेरा जेल को बाहर निकालते हैं, जहाँ इन्हें एक जगह इकट्ठा करके बाल्टी में तौलते हैं। अब इन्हें एक बड़े ट्रे में रख कर इसको पेस्ट की तरह तैयार करते हैं। फिर इन्हें एक कंटेनर में डालकर हीट किया जाता है, जिसमें शुगर, लिग्निन, सेपोनिन और परफ्यूम को डालकर मिक्स करते हैं। दोस्तों इसे हीट करने से जेल में मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं और एलोवेरा जेल लंबे समय तक खराब नहीं होता। फिर जेल के सैंपल को टेस्टिंग मशीन में डालकर सभी इंग्रेडिएंट के रेशियो को चेक करते हैं और लास्ट में इन्हें प्लास्टिक कप में फिल करके पैक करते हैं, और इस तरह आपका एलोवेरा जेल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इन तीनों प्रोडक्ट की वीडियो में आपको किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारे कड़ी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।